ना कुछ भी ना होवे, होने को क्या, साले का नाम पाकिस्तान रख दो तो कुछ ना है। योगी राज में अब देखिए हमको तो दुखी दुखी नजर कर दिया है सर। अरे विकास की जरूरत है, नाम बदलने की जरूरत है, हिंदुत्व भर के आएगा। देखें पिछले 5 साल में यूपी में नथिंग हैज चेंज्ड। चुनाव के मारे कर रहे हैं और क्या है, विकास नहीं होगा, सिर्फ पागलपन दिए और कुछ नहीं। राम मंदिर ही बनाने का तो सब ढकोसलाबाजी किया है योगी और मोदी ने। कुछ नहीं, वो ये एक वो इनके पास हिंदू मुस्लिम और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से फिर फैसिलिटी चीज़ें। उजड़ का नाम मुस्लिम नाम पर है, हिंदू नाम पर रखा जा रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत उसका बात है। इससे कोई खास तो फर्क पड़ेगा नहीं, जो नाम चल रहा है वही सही है। बहुत बढ़िया है, हमारे गांव अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ होने जा रहा है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र पर घोषित किया जाता था, तो इस चक्कर में बढ़िया है। हमें हर चीज़ का बदलाव और नाम बदला जा सकता है, लेकिन वही इंसान रहेंगे, वही बिल्डिंग रहे। अब सब ऐसा है कि डंडा से तो हम यही कहेंगे कि विकास हो रहा है, क्योंकि ऊपर से मारी ऐसी है जो कहनी पड़ती है। अब उसमें कुछ नहीं है, उसका नाम तो नाम ही है, किसी का नाम दूसरा रख लो, किसी का नाम दूसरा रख लो। मेन मकसद यही है कि क्या मकसद है ये तो खुद भी हम नहीं जानते। अलीगढ़ हरी और अलीगढ़ हमें तो कैसा ही नहीं लग रहा, कुछ फायदा हो तो ठीक है हमारे लिए। दूध की नहर मुझसे नहीं निकलने वाली, नाम मेरा चाहे फरहाद भी रखा जाए। ये इस शेर का अर्थ है कि फरहाद जो एक प्रेम नायक है प्रेम कहानी का, उसने पहाड़ काट करके नहर बना दिए थे, तो नाम बदल दिया जाए लेकिन मेरे से दूध की नहर नहीं निकलने वाली, इस शेर का यही अर्थ है। और आप देख सकते हैं पीछे मेरे अलीगढ़ जंक्शन है, अलीगढ़ जंक्शन के पास हूँ अभी, और यहाँ पर इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 5 सालों में कई शहरों के नाम, कई ज़िलों के नाम बदल चुकी है, और जिसमें आपको पता है इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया गया, और अब इसके बदलने की उम्मीद जताई जा रही कि अलीगढ़ का कुछ दिनों में नाम हरीगढ़ हो जाएगा, इसी तरह से मैनपुरी ज़िला का नाम मैन नगर हो जाएगा, फिरोजाबाद का भी नाम चेंज किया जाएगा। इसको लेकर के जिला पंचायत बोर्ड ने अपने बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया सर्वसम्मति से कि अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ रखा जाए, और इसी को लेकर के हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। जो लोग हैं अभी रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर रिक्शा चालक जो हैं, उनसे ही हम पूछते हैं कि हरीगढ़ रखा जाएगा तो क्या इनका क्या कहना है इस नाम को लेकर के, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चुनाव अब करीब है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी अलीगढ़ की चर्चा हो रही, हरीगढ़ नाम रखा जाएगा, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बता सकता, इनसे पूछो आप। आपको क्या लगता है अलीगढ़ का नाम जो हरीगढ़ चेंज किया? मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बताएंगे भाई खड़े हैं। चलाना चाहे हरीगढ़ कर दें, हमें तो ऑटो चलाना जी, चाहे हरीगढ़ कर दें चाहे अलीगढ़ कर दें, हम तो सब चीज में राजी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? पता नहीं जी क्यों हो रहा है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो बड़े लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे। आपको कैसा लग रहा है हरीगढ़ नाम? हरीगढ़ हरी और अलीगढ़ हमें तो कैसा ही नहीं लग रहा, कुछ फायदा हो तो ठीक है हमारे लिए। अब हमको तो पता ही नहीं है साहब क्या, हम तो जानते ही नहीं है कुछ। हरीगढ़ का नाम पहले हरीगढ़ था, फिर अलीगढ़ हो गया, फिर हरीगढ़ हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पहले हरीगढ़ था, पहले हरीगढ़ ही था, पहले हरीगढ़ था, फिर अलीगढ़ हुआ। किसने बताया आपको? भाई साहब किताबों में देखो आप, बताएगा कौन। मैंने तो सुना पहले जो है इसका नाम हरीगढ़ नहीं था। अरे कैसे कैसे नहीं था, आप देखो पहले उठा के किताब खोजो इतिहास की, जब तुम्हें मालूम पड़ेगी क्या था क्या नहीं था। नाम से क्या होता है, नाम बदल जाए ना, कुछ भी ना होवे, होने को क्या, साले का नाम पाकिस्तान रख दो तो कुछ ना है, नाम से क्या है फिर, पाकिस्तान रख दो इसका नाम तो कौन सा कुछ आप बताए। ऐसा क्यों कर रही है? सरकार से पूछो ना ये बात, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसमें मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है। मैं क्या बोलूँगा यार, मैं क्या बोलूँ, सारे ही गड़बड़ रहे तो मैं क्या बोलूँ, सब कुछ ही बदल रखा है, एक एक चीज़ बदल दी, तो उसमें मेन मकसद यही है कि क्या मकसद है ये तो खुद भी हम नहीं जानते। विकास हुआ है अलीगढ़ में काफी, या नाम से ये बदल के विकास, क्या विकास हुआ है, क्या का विकास दिख रहा है, हमें तो कुछ विकास नहीं दिखता, कोई ऐसी 5 साल में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। तो ये देखिए आप, ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, हालांकि हरीगढ़ नाम रखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप?
हम ये कहना चाहते हैं सर कि ये सदियों से अलीगढ़ प्लास्टिक है और जहाँ जहाँ तहसीलें हैं हुआ हुआ पहले कुछ मायावती ने भी कासगंज से भी काशी रामनगर कर दिया, हाथरस तहसील थी उसको जिला कर दिया, तो ये तो जिला मुख्यमंत्रियों ही ने बनाया है, ये तो सदियों से है अलीगढ़, तो इसका नाम बदला जाएगा तो एनरेस्टी का भी बदल दीजिए साथ साथ, और क्या कहेंगे, किसका बदल दीजिए, एनरेस्टी जो स्कूल है उसका भी बदला जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ अच्छा, तो नाम तो बदल जाएगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होना है, वो तो अब सरकार जाने अब क्या नहीं होना है नहीं करना है, तो सरकार के उसमें विकास क्या हुआ योगी राज में, योगी राज में अब देखिए हमको तो दुखी नजर कर दिया है सर, क्या अब क्यों दुखी हो गए हैं, बहुत कोरोना लगा दिया, हमारे बाल बच्चे भूखे मर गए, डेढ़ साल से हम लोग परेशान हैं, उसके बाद फिर खाली चावल बांटा है, उन्होंने दिया ही क्या है, कुछ नहीं दिया गरीबों को, तो कह रहे हैं बहुत कुछ दे दिया इसमें, अरे नहीं दिया है सर कुछ, ये तो कहने लहने की बात है, इतना बड़ा मंदिर बन गया, अरे वो राम मंदिर ही बनाने का तो सब ढकोसलाबाजी किया है योगी और मोदी ने, और क्या लॉकडाउन लगा दिया, फलाना लगा दिया, नोटबंदी बंद कर दी, किया ही क्या जाए, अफसरों को तो कुछ नहीं हुआ, गरीब जनता मारी गई है, नाम चेंज हो जाएगा, नाम बदल जाएगा तो इससे क्या बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा, वही रहेगा, सदियों से है नाम तो सदियों ही से रहेगा, क्यों करती है सरकार यहाँ पर, देखिए सरकार से पूछिए, अब योगी जी से पूछिए, अब ये बात है, तो सरकार मतलब ये है कि हरिगढ़ बनाना चाहती है अलीगढ़ को, तो इसका विकास भी चलाना जरूरी है, कोई खास विकास तो हुआ नहीं है, लेकिन ये जो हरिगढ़ है वो भगवान के नाम पर ही रख रहे हैं, ये हर माने भगवान और गढ़ी माने स्थान, लेकिन पहले जो 18वीं शताब्दी के पहले कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था अलीगढ़ को, हरिगढ़ के नाम से तो नहीं जाना जाता था, यहाँ ये जो सतवा से पहले कोल के नाम से पकाया जाता था, लेकिन अब तो अलीगढ़ के नाम से पकाया जाता है इसको, क्यों, क्या बदल जाएगा, हरिगढ़ कह दें या अलीगढ़ कह दें, उससे इसे बदला तो कुछ नहीं, उसका नाम तो नाम ही है, किसी का नाम दूसरा रखे तो किसी का नाम दूसरा रखे, लेकिन इंसान तो वही है, विकास क्या हुआ है यहाँ पे, विकास ये है कि जगह जगह आपकी जो बैठने उठने के लिए बेंच पड़ गई हैं और बैठने के लिए स्थान है, चबूतरा बन गए, इसी तरह से और क्या है, पूरे अलीगढ़ में क्या विकास हुआ है, पूरे अलीगढ़ में यह है कि हमारी जो गाड़ियाँ आए जाने आने वालों की वो तो सब बंद कर दी है, मजदूर लोग परेशान है, क्या करें बताइए, विकास थोड़ी ना हुआ ये तो, अब सब ऐसा है कि डंडा से तो हम यही कहेंगे कि विकास हो रहा है, क्योंकि ऊपर से मारी ऐसी है कि जो कहनी पड़ती है, अरे आपके ऊपर कौन डंडा चला रहा है, ऐसा जब मजदूरी नहीं मिलेगी, बच्चे भूखे मरेंगे तो उसमें क्या होगा, कहाँ से विकास होगा, विकास आपको दिख ही नहीं रहा है, कोई विकास नहीं है, यहाँ 10 रुपये लग जाए वहाँ आज, जहाँ 10 रुपये लग जाए माटी आज 30 रुपये लग रहे हैं मजदूरी के किराए के, कहाँ से लाएंगे बताइए, महंगाई बढ़ गई है आपको लगता है, महंगाई सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, नहीं तो 10 रुपये लगाओ करते मरराग और हाथी बीच में, लेकिन अब आंखें 30 रुपये कर दे गए, तो ये हरिगढ़ हो जाएगा तो इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या विकास को, अगर कोई परिवर्तन आ जाए तो सही है किराए में, और क्या कर सकते, ऐसा है कि ये गवर्नमेंट है, इसको पूर्ण पावर है, ये चाहे कुछ कर सकती है, लेकिन ये पब्लिक को बदले, बिल्डिंगों को बदले, यहाँ के रहन सहन वातावरण को बदले, तो हर चीज़ का बदलाव और नाम बदला जा सकता है, लेकिन वही इंसान रहेंगे, वही बिल्डिंग रहेगी, अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा और तेज बोलिए, अब ज़्यादा तेज बेटर नहीं बोला जाए, हाँ मेरे सामने समस्या दब गई है आप लोगों की आवाज़ है सरकार में, दब ना दब हमें तो न्यूना गई बेटा, कि देखो हमें तो हर सरकार में अपना समय जो है व्यतीत करना है, हमारी कोई भी सरकार नहीं है, न कोई सरकार हमको लाभ दे पाएगी, न कभी दिया है, हम तो बहुत मतलब पिछड़े हुए व्यक्ति हैं ना, कोलू में पिछड़े हैं हम तो, हमको कौन सरकार लाभ देगी, किसी ने आज तक नहीं दिया, 63 साल की उम्र है, तो क्या लगता है क्या बदलेगा हरिगढ़ नाम बदलने से, अब ये तो योगी जी का ही प्रोसीजर है, योगी जी जाने तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये तो वहाँ पार्लियामेंट में जो बैठे हैं संसद को चला रहे हैं वो इसका निष्कर्ष निकाला होगा कि इससे उन्हें कितना बड़ा लाभ होगा या क्या हानि होगी, तो ये चुनाव में इससे फायदा मिलेगा आपको डायरेक्ट में पूछ रहा हूं, देखो चुनाव भाई बात तो बेटी ऐसा है कि हर आदमी आज के युग में पार्टी में रंगा हुआ है, वो जिस पार्टी से मिले है वो उसी को देगा, चाहे वो पार्टी उसे गड्ढे में डाले या उसे उभारे, तो आपको पसंद है मतलब योगी जी, देखो मैंने तो
मैंने आपसे पहले कह दिया है कि कोई भी सरकार हमारे लिए नहीं हित में कर रही है। लेकिन वैसे वोट किसको देना चाहिए आखिर, जब नहीं कर रही तो वोट तो देना पड़ेगा किसको? देखो ये तो समय पर ही डिसीजन लिया जाता है, ये पहले से कहने की वाणी नहीं है, ये तो उसी समय तत्काल रिजल्ट निकाला जाता है कि आप हमको सूटेबल हैं। सरकार के काम को किस तरीके से आप देखते हैं जो 5 साल में? देखो हर सरकार काम करती है, कोई थोड़ा करती है कोई ज़्यादा करती है, काम तो सभी सरकार करती है। हरिगढ़ तो पहले ही था, शुरू में हरिगढ़ ही नाम था इसका, बाद में अलीगढ़ कर दिया गया। अच्छा हो रहा है, नाम बदलना भी चाहिए, वर्षों से चला रहा है वही नाम, तो हरिगढ़ होना चाहिए। तो विकास इससे बदल जाएगा? हो सकता है, उम्मीद तो है, उम्मीदें तो हैं। अच्छा है भैया क्या अच्छा ही है बढ़िया क्या हो रहा है, सब परेशान है जनता पूरी। तो अच्छा क्या है फिर, नाम बदलने से क्या अच्छा? नाम बदलने से क्या हो रहा है ये बताओ, नाम तो अलीगढ़ हो तो भी वही बात है, हरिगढ़ होगा तो भी वही बात है, नाम से क्या होगा ये बताओ। सरकार ऐसा क्यों कर रही है फिर? पता नहीं भैया क्या, पता नहीं क्यों कर रही है सरकार ऐसा। और अभी इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं अलीगढ़ के पंजीपुर गाँव में, और इस गाँव में हम जानेंगे कि यहाँ पर जो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जा रहा है तो इस पर इन लोगों का क्या कहना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर इनसे ही पूछते हैं, क्या कहना आपका हरिगढ़ नाम होने जा रहा है आपके अलीगढ़ का? बहुत बढ़िया है, हमारे गांव अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने जा रहा है, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र पर घोषित किया जा रहा था तो इस चक्कर में बढ़िया, हमें अच्छा लग रहा है हमारे अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो रहा है तो। हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा रहा मतलब? नहीं सर, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कराया जा रहा है तो हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। योगी सरकार ने क्या क्या काम किया है विकास के काम में? हमारे गांव में बहुत अच्छा काम किया है योगी सरकार ने, हमारे गांव में सारे गांव में पहले तो उसमें RCC रोड हो गए और बहुत सारी नालियां बनवाई हैं, और ये क्या कहते हैं, ये गांव से बाहर ये आ रही है PW में रास्ता थी, ये भी हमारे जयवीर सिंह ने क्लियर कराई है आलमपुर सोपकरा से। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है सरकार से, कुछ कहना नहीं है, महंगाई हो गई कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया है, हरिगढ़ नाम चेंज हो रहा है, हमें तो इस बात से बहुत खुशी है। क्या खुशी है, क्या मिल जाएगा उससे नाम चेंज होने? उससे हमारे गांव अलीगढ़ का नाम मुस्लिम नाम पर है, हिंदू नाम पे रखा जा रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत उसका बात है। नहीं मतलब ये क्या, इससे क्या चाहती है सरकार, क्या चाहती है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है ना? चुनाव नज़दीक है सर, हाँ सही है, कोई बात ना है तो वैसे अलीगढ़ ही होना चाहिए, अलीगढ़ है रहा हरिगढ़ हो रहा है जान। अलीगढ़ में स्टेट बैंक चौराहे के पास अभी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ खाने पीने की दुकान है, यहाँ पर लोग हैं, इनसे ही हम जानते हैं कि भैया अभी जो नाम चेंज करने का प्रस्ताव आया अलीगढ़ पे, उस पर आपका क्या कहना है? अभी तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर हाँ आया तो है, अगर नाम चेंज किस वजह से कराया जा रहा है ये पता नहीं है। चुनाव नज़दीक है और इस तरीके की चीज़ें जो आ रही हैं नाम चेंज करने का, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई खास तो फर्क पड़ेगा नहीं, जो नाम चल रहा है वही सही है। सरकार के विकास को किस तरीके से देखते हैं 5 साल में जो हुआ? विकास तो किया है पर इतना होना चाहिए वो नहीं है। नाम चेंज करने से क्या होगा? कोई फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो क्यों कर रही है सरकार, आपको क्या लगता है? वो सरकारी मर्जी है, कुछ कहना नहीं चाहेंगे। देखिए नाम फर्क कर मतलब नाम चेंज करने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, नाम चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से फिर फैसिलिटी चीज़ें उसी तरह से बदलाव होना चाहिए। सपोज़ मानो अभी ये अलीगढ़ है, हम कहते हैं इस अलीगढ़ का नाम हटा के जापान कर दो, अमेरिका कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका बन जाएगा ये बताओ, आप ही बताओ क्या अमेरिका बन जाएगा, ये नहीं बनेगा ना। तो नाम चेंज ना करके अगर जो लोगों की परेशानियां हैं वो चेंज करी जाएं, जो दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं वो ख़त्म करी जाएं, तो वो कितना बढ़िया रहेगा सभी लोगों के लिए, सब लोग खुश भी रहेंगे उसमें, है ना। चुनाव जब नज़दीक आता है तो ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि कहीं पर अलीगढ़ का नाम चेंज किया जा रहा है, कहीं मैनपुरी का। नहीं हम क्या कह रहे हैं, मैंने तो ये चुनाव का बात करी ही नहीं, मैंने तो सीधा ये कहा कि वो मतलब सरकार अलीगढ़ का नाम चेंज करके कुछ भी रखने के लिए इरादा है उनका, जो कुछ भी है तो नाम चेंज कर दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इसका अलीगढ़ नाम हटा के अमेरिका कर दो,
लेकिन क्या अमेरिका बन जाएगा? ये नहीं बनेगा ना, यहाँ की फैसिलिटी है नहीं है ना। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी अलीगढ़ कहेंगे, अलीगढ़ ही है, अलीगढ़ ही है, अलीगढ़ तो अलीगढ़ ही है। क्या क्यों, क्या क्या चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों चेंज हो रहा है, आपको क्या लगता है? तुम पूछो क्यों चेंज हो रहा है। अलीगढ़ तो आपके हिसाब से चेंज, अलीगढ़ तो अलीगढ़ है। आप क्या कहेंगे? अलीगढ़ अलीगढ़ ही रहना चाहिए, क्या चेंज होने से क्या बेनिफिट है ये बताइए? बेनिफिट तो है नहीं कुछ भी चेंज होने से अलीगढ़ में। तो बिना बेनिफिट के सरकार क्यों कर रही है, क्यों कर रही है सरकार? तो ये तो सरकार का काम है ये चेंज करने का नाम, इसे तो वो लेनी अपनी सहानुभूति, और क्या काम है इसका? क्या सहानुभूति मिलेगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? कुछ नहीं, वो ये एक वो है, इनके पास हिंदू मुस्लिम और क्या है। हरिगढ़ क्या मतलब आया, अलीगढ़ अब से है? कोई अभी से हुआ है अलीगढ़, जब से आज़ादी है उससे पहले से अलीगढ़, कोई अब से थोड़ी है अलीगढ़। चुनाव आ रहा है और चुनाव इसके पहले की वजह से ही कर रहे हैं ये लोग, और क्या है, चुनाव की वजह से, डिस्प्यूटर करने की वजह है और कोई वजह नहीं है। क्या फायदा मिलेगा इस सरकार को? कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे, सब लोग जानते हैं क्या कर रही है सरकार क्या नहीं। तो अलीगढ़ में मतलब ये हरिगढ़ अगर कर दिया जाए तो इसे डेवलपमेंट पे क्या क्या फर्क है ये बताइए, कितना नुकसान है गवर्नमेंट को इससे, फायदा क्या है ये बताइए? नाम चेंज होने से सारी फाइलें हैं और वो चेंज होने से फायदा ये मिलेगा ये बता दो, हरिगढ़ से ये फायदा मिल जाएगा? विकास विकास जो है अलीगढ़ में कहाँ है, कहाँ है विकास? तो मर गया दुबे, तो विकास है कहाँ? पुराने कामों को दिखा रहे हैं, पांच साल में कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये कह रहे नौकरी दे दी है, कौन कौन किसे दे दी? योगी सरकार ने, योगी सरकार आपको दे दी ये बताइए नौकरी? आप खुद बेरोजगार हो, ऐड में से पत्रकार, ऐड में तो दिखाने के लिए तो मीडिया बिकी हुई है इस वजह से, और क्या है? विकास नहीं होगा, सिर्फ पागलपंती है और कुछ नहीं। पागलपंती है सरकार, फिर पागल क्यों हो रही है ये काम में का हो रही है? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का दिखा कर यही करना चाहती है कि वोट बैंक बनाना चाहती है अपना। वोट बैंक बन जाएगा इससे? हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हिंदू तो एक तरफा हो जाएंगे यहाँ के अलीगढ़ के, ये सिर्फ इसीलिए करा जा रहा और कोई हिंदू नहीं है इससे। आप बता दिए कोई फायदा है? क्या लगता है कि पिछले पाँच सालों में क्या सरकार ने किया है? हमें तो कुछ दिख रहा नहीं है क्या करा, कुछ नहीं करा यहाँ पे कुछ नहीं। अरे ये तो बरसों से अलीगढ़, अब अलीगढ़ कैसे हो जाएगा? तो अलीगढ़ तो बहुत पुराना नाम है, अभी का थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा विकास के ऊपर इससे? कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये सरकार अभी कर रही है चुनाव के पहले, क्या लगता है? चुनाव के मारे कर रहे हैं और क्या है भाई। देखिए बेसिक बात यह है कि कोई स्टेट है, आप उसके चीफ मिनिस्टर हैं, मैं मतलब सीएम साहब पे रख के कह रहा हूँ, तो आपको बाकी चीज़ें डेवलपमेंट और उसमें भी देखना चाहिए ना, क्योंकि आप देखें पिछले पाँच साल में यूपी में नथिंग हैज़ चेंज्ड, चीज़ें वही हैं, कॉन्स्टेंट है आपका, आपके पास वही टॉपिक्स हैं, मंदिर और मस्जिद, मतलब वो एक अलग बात है बिल्कुल, मगर नाम चेंज करने से उसमें कुछ हासिल नहीं है ना, कुछ डेवलपमेंट के नाम पर। वही बात जो इसने कहा सेम, कि कोई मतलब तो बनता नहीं इन सब चीज़ों पे, जो खर्च वगैरह इन सब चीज़ों पे हो रही है वो और अच्छे जगह यूज़ हो सकती है उन पैसों की। इस सरकार में पाँच साल में कुछ अच्छाइयाँ भी दिखी आपको या फिर? मुझे तो कुछ नहीं दिखी, मतलब इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट देयर इज़ नथिंग, डेवलपमेंट के तौर पे तो कुछ नहीं दिखी, बस यही सब कुछ चीज़ें दिखी हैं जिनकी ज़रूरत तो हमें है नहीं। नहीं कोई विकास नहीं हुआ, जो पुराना नाम है उसी से ही जाना जाएगा, से जाना जाएगा। तो जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, यहाँ कुछ भी कर दे, लेकिन पब्लिक तो जो जानती है वही जानेगी, अभी हाल फिलहाल में तो कोई वो नहीं होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा क्या लगता है इससे क्या बदलाव होगा या क्या? हिंदुत्व तो भर के आएगा, हिंदुत्व तो भर के आएगा। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, अयोध्या फैजाबाद का अयोध्या हो गया, तो वहाँ पे कुछ बदलाव नज़र आया है या फिर यहाँ पे? तो वहाँ के लोग बताएंगे यार, बदलाव नज़र आया है नहीं, वहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ से हम क्या बताएंगे? लेकिन ये चुनाव के पहले क्यों होता है, आपको क्यों लगता है? कुछ फायदा, पार्टी वाले अपना फ़ायदा उठाना चाहते होंगे। और गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बदलने की ज़रूरत क्या है? अरे विकास की ज़रूरत है, नाम बदलने की ज़रूरत है, विकास करवाएं, विकास क्या करवा रहे हैं बताएं। अच्छा जैसे ये चुनाव है अभी नज़दीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा सरकार? ये चुनाव की वजह से तो ये नए नए तरीके ला ही रहे हैं,
चुनाव होने के लिए ही ये नए प्रोपेगंडे रचाए जा रहे हैं, सब कुछ नहीं है। इसके पीछे सोच क्या है, आपको क्या लगता है, क्या सरकार सोच चाहती इनकी है? खराब है, पब्लिक के विपरीत सोच है इनकी बिल्कुल कतई। भाई ये सोच बना रहे हैं, पब्लिक के खिलाफ बना रहे सारी सोच। आपको क्या लगता है क्या विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, पब्लिक का हर चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा और ये खाने पीने का हर आइटम महंगा हो गया, क्या है सस्ता, पब्लिक पे पूरा वजन है, पब्लिक झेल ही नहीं पा रही है इसे। अरे ये कहा जा रहा हरिगढ़ पहले था इसलिए हरिगढ़ कर, कभी नहीं ना था ना होना चाहिए। मुगल राज आया, मुगल राज ने अंग्रेजों का इनका राज आया, उनके राज में हुआ था ये अलीगढ़। बताते ये है कि हमें तो ये बताया गया कि इसका नाम हरिगढ़ ही था, पर हरिगढ़ उड़ा तो हमको परेशानी नहीं है। मैंने तो कभी सुना नहीं है नाम चेंज के बारे में, तो एक साल बाद आया स्टेशन। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जा रहा है ये तो कभी सुना नहीं है, अफवाह होगी या पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो आपने देखा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जा रहा है, उस पर हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि उनका क्या कहना है अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के ऊपर, और इसी को लेकर के हम पिछले 2-3 घंटे से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक हम लोगों ने यात्रा की और वहाँ पर जानने की कोशिश की लोगों से क्या क्या उनका कहना है। हालांकि कोई कोई बोल रहा है, कोई खुल करके नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अलीगढ़ का नाम अगर चेंज किया जाए तो कुछ विकास भी होना चाहिए, अलीगढ़ का नाम केवल बदलने से विकास नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जो है काफ़ी लोग यहाँ पर चुप रहे कि कोई बोलने को तैयार नहीं था कि अलीगढ़ का नाम अगर बदला जा रहा है तो क्यों बदला जा रहा है, क्या उनका कहना है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल देखते रहिए फोरम फोर, मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ अलीगढ़ से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।